हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग छोटो रहा है, वो भी छोटा मोटा जैसे भी बनता है। आज आ रखे हम देवी डांडा मंदिर, जो कि यमकेश्वर वाले रोड पे पड़ता है और कश्याली से ऊपर 7 किलोमीटर कम से कम ऊपर है चढ़ाई में। तो चलते हैं, मिलते हैं। और साथ में चल रहे हैं आशीष और नवीन सिंह। क्या बोलते हो, कैसा लगा इतना लंबा रूट तय करके? बढ़िया, अच्छा लगा है। अब आगे जाके देखते हैं मंदिर कैसी है, कितनी दूर है यहाँ से। भी पहली बार आ रहे हैं हम लोग, यहाँ आए थे रोड पे घूमने के लिए, मंदिर के लिए निकल गए। ये नवीन टोल वार से इतनी दूर आ रखा है, यहाँ बोल रहा है कि मंदिर में आम होंगे। क्या करे इसका, इसके साथ तो आम लेके घूमना पड़ेगा हमको। नीचे से कुछ ही दूरी पर यहाँ बैठने के लिए भी है, विश्राम कर सकते हैं आप लोग। ये देखो दोनों हीरो जा रहे हैं। हे गाइस, लगभग फाइनली पहुंच गए हम देवी डांडा मंदिर। क्या गजब का व्यू है यार, हरियाली। आजकल बरसात में सिरे तक। तो फाइनली प्रवेश कर चुके हैं और पीछे से नवीन भी आ चुका है, वो तो बहुत स्पीड में आ रहा है। इसने चश्मे पहन लिए, बोल आंखें बोल छोटी छोटी आ रही है, छोटी आ रही बोला के छोटी। पंडित नमस्कार, जय हो देवी माँ, माता श्याम सुंदरी देवी मंदिर है। एक आप लोग का पिंजी जो है, अच्छा, धर्मार बद्रीनाथ से। हाँ जी, हमारे एक शिव मंदिर हम से। हाँ जी, ठीक है जी। तो हमारे लोगों को एक पूजा नहीं दिया करते। अच्छा, हमारे लोग तो आप लोग की जाए मतलब पिंजी के। हाँ जी, हम लोग की पूजा करते। अच्छा, ठीक है जी। ये तो हम लोग काली गुरु माँ का नहीं किया। अच्छा, काली गुरु। अच्छा, काली गुरु माँ का जी। और एक अच्छा हाँ जी, अच्छा आप पहली बटाई मंदिर। अच्छा, फिर अमन पे वचन खाने की। हाँ जी, मैं कुछ नहीं थी खड़ा हो गया, हम विश्वास समझे थे एक साथ। अच्छा, फिर हम भाई मजमा करता। हाँ जी हाँ जी, फिर हम अमन जी की सेवा कर। अच्छा, पहली बटे मतलब आप लोग सेवा। अच्छा, एक हम सेवा। हाँ जी, एक मेरे भाई बहुत। अच्छा, आप ये के गांव के लो ना, गांव सब खड़ा था। क्या गांव थी उसका? बंजरी। अच्छा, बंजरी के नाम से। हाँ जी हाँ जी, इसमें ऊपर लगे देवी डांडा। हाँ जी हाँ जी, बंजरी। अच्छा, ठीक। काफी हुए चलते हैं जी। हाँ जी हाँ जी। तो अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से फिर अब निकल रहे हैं देवी डांडा मंदिर से। कोहरा लग चुका है दोस्तों, अभी अभी हम अंदर गए और इतनी देर में कोहरा भी लग गया है। और ये नीचे ग्राउंड टाइप का है, बहुत जबरदस्त लग रहा है दोस्तों यहाँ पे ना। तारीख अभी 8-12 तारीख, 10 तारीख लगा। अष्टमी को दोस्तों यहाँ पे मेला भी लगता है। हाँ, बहुत तगड़ा मेला लगता है यहाँ पे। अच्छा, बहुत तो आस पास से तो काफी भीड़, बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, तो हजारों संख्या में है और कई भंडारा भी होते हैं। हाँ जी हाँ जी, भंडारा होते हैं। तो उस दिन भी होता है कि ये बलि वगैरह? बलि तो अच्छा, हम लोग। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। जी जी, हम पहले से ही हैं, मतलब पहले बाप दादा से ही। तो पंडित जी को भी, हाँ जी जय श्री राम। तो पंडित जी को भी काफ़ी समय हो चुका है यहाँ, 35-40 वर्ष, और उन्होंने इसी सेवा में लगे रहे मतलब। तो दोस्तों ये जगह हमको काफ़ी खूबसूरत लगी और अभी हम सोच रहे हैं कि दोबारा आए यहाँ मेले के दिन। मेले के दिन आएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और आस पास देखो, ये धुंध लग चुकी है, धुंध कोहरा। वेलकम पंडित जी ने बोला, वेलकम बच्चों। दोस्तों जो यहाँ का हमें व्यू लगा है वो काफ़ी गजब का लगा और सबको पसंद आया है। ऐसे नहीं कि किसी एक को, तीनों को पसंद आया, तीनों में से तीनों को तीनों को है। आशीष कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और बहुत टॉप टॉप की जगह है, टॉप में ऊपर ठंडी जगह है। ये नीचे कश्याली से हालांकि थोड़ा सा चढ़ाई है, स्कूटी वगैरह जो गाड़ी वगैरह जिस चीज़ के लिए भी आप लाते हैं जो भी गाड़ी, लेकिन आराम से
कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में, थोड़ा पैदल ही ज्यादा नहीं है, 5 मिनट का रास्ता लड़कों के लिए, 5 मिनट का रास्ता, बाकी आप जिस हिसाब से चल सकते हैं मोटे छोटे बड़े भैया। ये मंदिर का रास्ता कुछ इस तरह है, 1 किलोमीटर होगा ज़्यादा ज़्यादा, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा शायद। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ रास्ते में, और ये मेन रास्ता नहीं है, ये है कशाली से ऊपर 7-8 किलोमीटर। और जरा यहाँ पे भी करते हैं दर्शन, जय महतो दी, जय बजरंगली। और ये यहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी कर रखी है, ये आसपास कोरा ही कोरा लगा है। फोटोज वगैरह व्यू वगैरह बहुत गजब का रहा है। और ये नीचे गांव, दोस्तों प्लान डिसाइड, नाइट कैंपिंग के लिए भी आ सकते हैं हम। बहुत गजब का ये देखो, 1 किलोमीटर नीचे आए यहाँ पे भी बहुत गजब का व्यू लग रहा है, तप्पड़ी तप्पड़ है बहुत अच्छे, वो भी हरियाली का। लगी है जाने के लिए, ये वाला है, ये यम के सर के लिए इधर है, इधर ये आ गए हम फिर दुगड्डा के लिए।